मेरे चैनल सिंपली प्राची पे मैं हूँ प्राची और मैं बहुत अच्छी हूं आशा करती हूँ आप सारे लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे दिवाली की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे तो मैंने सोचा चलो मैंने भी दिवाली की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर कर लू अगर आपको पसंद आए तो आप भी ले सकते हो और ये जो हॉल है ये मीशो का होने वाला है बहुत ही मिनिमल चीजें हैं लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हमें दिवाली में जरूरत पड़ती ही पड़ती है तो सबसे पहले मैं छोटी चीजों से शुरुआत करती हूँ तो मैंने एक ये टी लाइट होल्डर लिया है इसके साथ ये भी था हाँ लाइक ऐसे चलाने के लिए तो ये बहुत छोटा सा है इसका पैकेट मैंने फेंक दिया है और ये मुझे अंडर हंड्रेड ही मिला था सिक्सटी नाइन और समथिंग तो ये बहुत अच्छा है छोटू सा प्यारा सा उसके बाद मैंने लिया है एक ये तो ये बहुत ही प्यारा सा है इसमें आप बीच में पानी डाल दो फ्लावर डाल दो थोड़े बहुत और इधर टी लाइट कैंडल जो है वो डाल दो तो मैंने इसको ये दोनों ना एक दूसरे को एक साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा है और ये मुझे पड़ा था वन सेवेंटी थ्री रुपीज का ओनली वन सेवेंटी थ्री रुपीज अभी वन सेवेंटी थ्री रुपीज में क्या ही आता है और इसका मेटल काफी स्ट्रांग है ये ऐसा कुछ मतलब कमजोर सा नहीं है बहुत ही स्ट्रांग है ये देखो मैं दिखा रही हूँ मेटल uh, क्या है वो तो मेरे को मालूम नहीं uh, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी नहीं किया था बट इसकी फिनिशिंग गोल्डन कलर से हुई है तो ये बहुत ही पूजा वाला वाइब्स देता है बहुत अच्छा है बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है तो ये हो गया मेरा दूसरा सामान तीसरा जो मैं मैंने लिया है वो है एक तोरन तो ये जो लीव्स हैं ये प्लास्टिक के हैं वॉशेबल हैं काफी अच्छे हैं और मैंने लिया है इसको अपने मंदिर के लिए मेन डोर के लिए मैंने ये नहीं लिया है मैंने मंदिर के लिए लिया है वन थर्टी फोर रुपीज का ये तोरण है आप इसे ना दरवाजे पे भी लगा सकते हो काफी बड़ा है और काफी अच्छा लग रहा है तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो ना कि ऐसे लगा के और ये जो येलो और ऑरेंज के आ, का जो माला मा, फ्लावर है ना तो उसके एक लंबी लंबी लड़ियां आती है ना वो ऐसे लगा दो और साइड में दोनों लगा दो तो वो काफी अच्छा लगेगा दिखने में तो ये था मेरा तीसरा आइटम जो कि ओनली वन थर्टी फोर रुपीज का था अब मैं बढ़ती हूं अगले सामान की तरफ तो वो है एक टी लाइट बोलते है ना उसको ये जो छोटे वाले लाइट्स होते हैं उसको टी लाइट बोलते हैं तो ये टी लाइट होल्डर एक लालटेन टाइप का ये ऐसे ही हैंगिंग टी लाइट होल्डर बोलो ये है तो ये है एक टील ग्रीन कलर में जो कि देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है ये कलर और इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है कुछ भी एक ऐसे कहीं से ना स्क्रैच पड़ने वाली चीजें नहीं है बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी तो एक ये है और एक ये है मस्टर्ड येलो कलर में जो कि बहुत अच्छा है नॉर्मली आप इसको ना ऐसे भी ले सकते हो दिवाली के पर्पज से नहीं ऐसे भी आप बालकनी में हैंग करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये तो ये दो सौ उन्नीस रुपए का था हाँ ये टू नाइनटीन रुपीज का था टू हंड्रेड नाइनटीन रुपीज का और ये काफी अच्छा है काफी स्ट्रांग है काफी स्टडी है आप कहीं पर भी आराम से हैंग करके इसे डेकोर कर सकते हो डेकोरेट देकोरे, डेकोरेट कर सकते हो ऐसे बहुत दिन के बाद ऐसे हॉल वीडियो बनाओ ना तो थोड़े टंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं ठीक है और मैंने लिया है एक ये टिश्यू पेपर होल्डर ओनली वन नाइनटीन रुपीज का ये तो मैं यूज़ भी करने लग गई जिस दिन से आया था उसी दिन से तो मैं टिश्यू हटा के आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा है बहुत सही है और बहुत बड़ा है मतलब देखो मैंने बड़े वाले साइज़ वाले टिश्यू पेपर रखे हैं फिर भी इस पर कितना स्पेस है तो आप मैक्सिमम एक्सल वाला जो साइज़ होता है ना टिश्यू का आप वो भी रखोगे तो ये बहुत अच्छे से रहेगा और इसकी फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है ऐसा हल्का सा नहीं है काफ़ी स्टडी है अच्छा है ये तो ये था मेरा आई गेस पांचवा एक दो तीन चार हाँ ये था मेरा पांचवा प्रोडक्ट और अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए तो ये सारी चीजें हो गई दिवाली डेकोर की और घर सजाने की चीजें ही मैक्सिमम मैंने मंगवाई है तो मैंने एक मंगवाया है इसका ना मेरे को प्राइस याद नहीं है क्योंकि मैंने इसके पैकेट्स शायद खराब हो गए थे तो मैंने निकाल दिया है ये एम डी एफ के होल्डर एम डी एफ के क्या बोलूँ मैं कोट कोटेशन लिखे हुए ऐसे सर्कल में कट किया हुआ है डेकोरेशन के लिए तो किसी इसमें क्या लिखा है द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट ठीक है और इसके पीछे ऐसे टू वे टेप लगे हुए हैं तो आप इसको कहीं पे भी आराम से स्टिक कर सकते हो तो ये मुझे मिला है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन पीसेस हैं टोटल इलेवन पीसेस हैं और काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में है ये देखो मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूं तो आपको चीजें उल्टी नजर आएंगी ठीक है इफ यू गो यू विल नो सेकेंड कोटेशन थर्ड वन इज इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट दैट्स ट्रू तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात है कि इसके कलर्स इतने प्यारे हैं ना कि आप इसे कभी भी लगा सकते हो ऐसे नहीं कि फेस्टिवल है तभी ऐसे भी नॉर्मल आप डेकोर कर सकते हो अपने बालकनी में लगा सकते हो छोटे बहुत छोटी चो, छोटी चीजें हैं अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे जिसपे कि आप काम कर रहे हो और आपको मोटिवेशनल लाइंस चाहिए जिसको सुन के जिसको देख के आप मोटिवेट होते रहो तो वहां पे भी आप ये लगा सकते हो तो ये एक मैंने मंगवाया इसका प्राइस मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी क्योंकि आ, मैंने इसके पैकेट्स को फेंक दिया है और सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट एक महीने पहले ऑर्डर की थी दशहरे के लिए पर मैंने उस टाइम वीडियो बनाया नहीं मैं बना नहीं पाई सम्भव में बिजी हो गई थी किसी किसी चीज़ों में तो ये सारी चीज़ें हो गई डेकोरेशन वाली अब घर के साथ साथ खुद को भी तो तैयार करना है ना तो उसके लिए भी मैंने बहुत ही सस्ती चीज़ें मंगवाई है क्योंकि एक दिन के फेस्टिवल के लिए ठीक है करते होंगे लोग मुझे नहीं लगा वर्थ इट मुझे लगा कि चलो ठीक है और मुझे स्क्रॉल करते करते अच्छी चीजें दिख रही थी तो मैंने ले लिया तो मैंने एक फुटवेयर मंगवाया है जो कि मुझे पड़ा है इस पर भी प्राइस नहीं लिखा हुआ है तो ये मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ पे तो ये है वो कैसे रखू हाँ ये है ये फुटवेयर तो ये बहुत प्यारा सा है ये देखो और क्लॉथ क्लॉथ तो नहीं है लेकिन वॉशेबल है मेरे को लगता है और ठीक है मतलब पहन सकते हो आप दस पंद्रह बार पहन सकते हो शायद उससे भी ज़्यादा तो जो भी है मेरे को बहुत आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये रख लिया क्योंकि मैं मैंने पहली बार फुटवेयर ऑर्डर किया था तो मुझे लगा कि शायद अच्छा ना आए या जो भी हो बट ये अच्छा था और ऐसे बैठे बैठे मैं थक गई थी तो मैं अपना थोड़ा पोजिशन चेंज कर रही हूँ उसके बाद जो मैंने मंगवाया है ना वो एक्चुअली मैंने दो ऑर्डर किए क्योंकि ये इतना अच्छा आया था तो मैंने ऑर्डर करी थी एक साड़ी लहरिया साड़ी तो ये बहुत अच्छी है इसके चारों कॉर्नर्स पे ये देखो मैंने टेलर से फॉल पिको को भी करवा लिया उसका टैग लगा हुआ है चारों कॉर्नर पे ऐसे कुछ टैसल लगे हुए हैं टैसल ही बोलते हैं आई गेस जो भी हो तो ये लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है और पूरे साड़ी पे इस तरह से इन्होंने ये करके रखा है आ, इस तरह से दिखाती हूँ मैं एक मिनट हाँ तो इस तरह से लेस है ये आई गेस हाँ लेस ही है लेस को इन्होंने साड़ी पे ऐसे पिक ये किया है सिलाई किया है स्टिच किया है और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी ऐसा नहीं है कि ये मतलब दिख रहा है थोड़ा बिखरा सा या कुछ तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैंने तैयार भी करवा लिया है इसको मैं पहनूंगी दिवाली के दिन इसके साथ साथ आया था ये ब्लाउज पीस जो कि बहुत ही अच्छा कपड़ा है सॉफ्ट है ऐसा कुछ नहीं कभी कभी क्या होती है ना होता है ना कि अब साड़ी मंगवा उसका ब्लाउज अच्छा नहीं आता लेकिन इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा आया तो मैंने इसको बनवा भी लिया है और ये मैं पहनने वाली हूँ दिवाली पे और ये साड़ी मुझे पड़ी है ओनली थ्री हंड्रेड एट्टी सिक्स और सिक्सटी एट समथिंग ऐसे ही कुछ थ्री एटी सिक्स की है बाद में मैंने इसको और एक ऑर्डर किया था ब्लू कलर में अपनी भाभी के लिए तो वो मुझे फोर नाइन्टी फाइव का पड़ा था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की हुई थी ना मीशो से तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे शायद या जो भी था हाँ पॉइंट सी थे कुछ तो उसकी वजह से मुझे ये ओनली थ्री फिफ्टी रुपीज में थ्री फिफ्टी नहीं थ्री सिक्सटी एट और एट्टी सिक्स ऐसे ही कुछ मिला था वो अलग बात है कि साढ़े तीन सौ की साड़ी में मैंने पाँच सौ रुपये का ब्लाउज पीस सिलाई दिया बट तो कोई नहीं साड़ी बहुत अच्छी है लंबाई चौड़ाई सब इसकी बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है बहुत सॉफ्ट भी है हल्की भी है तो आप आराम से दिवाली के दिन इसको पहन के काम कर सकते हो और इसके साथ इसलिए मैंने ऐसा फुटवेयर लिया है जो कि आराम से इजी रहेगा हील नहीं है क्या बोलेंगे इसको स्लीपर टाइप है तो साड़ी के साथ कैरी करना ईजी रहेगा तो ये था मेरा घर सजाने के बाद खुद को सजाने का सामान उसके बाद अब खुद को सजाऊंगी और बेटी के लिए कुछ ना लो ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं मिष्टी का आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे लिया था और मेरे लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से लिंक मांगा है इसका बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है ये मैं दिवाली हॉल शूट कर रही हूँ तो मैं ये दिखा रही हूँ ये मिस्टी पिछले एक साल से बहुत बार पहन चुकी है और बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा मैंने उस टाइम 500 समथिंग 500 समथिंग में लिया था लेकिन अभी शायद इसकी प्राइस कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है क्योंकि एक बार मैंने अपनी दीदी से लिंक शेयर किया तो वो कम था और जब मैंने किसी एक और रिलेटिव के साथ शेयर किया तो उस टाइम पे वो बढ़ा हुआ था दाम तो हंड्रेड ऐसे हंड्रेड रुपीज ऊपर नीचे होते रहता है बस इतना ही तो ये है एक अनारकली टाइप का कुर्ता स्लीवलेस है इसके साथ स्लीव्स नहीं है हाँ स्लीव्स नहीं है स्लीवलेस ही है और बहुत प्यारा है तो बहुत देखो मैं दिखा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन है बच्चे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होंगे उसको पहन के तो आप दिवाली में पहना सकते हो बहुत फेस्टिव वाइब्स देता है बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं और अच्छा लगता है इसके नीचे है शरारा आई गेस इसको शरारा ही बोलते हैं मैं थोड़ी इन चीज़ों में ना कम नॉलेज है मुझे तो ये रहा बहुत ही प्यारा बहुत ही सॉफ्ट सा ये मटेरियल है बहुत अच्छा है बच्चे के लिए ले सकते हो और इसके साथ एक दुपट्टा दुपट्टा काफी छोटा है बट ठीक है बच्चों का क्या है? यार वो लेते भी नहीं है तो ऐसे साइड में लगा दो एक छोटा सा पेन या क्लिप हो गया तो ये था मेरा मीशो का हॉल आपको कैसा लगा है मुझे बताना जरूर सारी चीजें का कोड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक में शेयर लिंक पता नहीं शायद मीशो में लिंक शेयर होता है या नहीं मैं ज्यादा रेगुलर हॉल करती ही नहीं तो मुझे मालूम नहीं तो अगर लिंक शेयर होगा तो लिंक शेयर कर दूंगी अगर कोड होगा तो मैं कोड डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई है आपको बहुत अच्छी है अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा ना तो आप ऑर्डर ज़रूर करना मैं बता रही हूँ आपको कि सारी चीज़ें अच्छी आएंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एडवांस में हैप्पी दिवाली अब नेक्स्ट ब्लॉग दिवाली का ही होगा तो चलो फिर मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एडवांस में हैप्पी दिवाली